इंतजाम होना चाहिए, अच्छी बुलेट प्रूफ जैकेट मिलनी चाहिए। मेरे बेटे को दोनों जगह से गोलियां लगी, आगे से कोई काम नहीं आई बुलेट प्रूफ जैकेट। आंखों में आंसुओं का सैलाब है, कलेजे में अपने जिगर के टुकड़े को खोने की तड़प, हर सांस सीने में भारी है, गला रुंधा हुआ है, अपने लाल से बिछड़ने का दर्द दिल में रह रहकर तूफान की तरह उठ रहा है, जिसने इस माँ को बेचैन और बेसुध कर दिया है। इस हाल में थोड़ा होश संभालते हुए शहीद कैप्टन दीपक सिंह की माँ ने हुक्मरानों से एक सवाल पूछा है। ये सवाल सिर्फ शहीद कैप्टन दीपक सिंह की मां का नहीं, बल्कि हर उस मां का है जिसने आतंकी हमलों में अपने बहादुर बेटों को हमेशा के लिए खो दिया है। सरकार जी, ये बात है, अगर आप उनको लड़ाई के लिए भेज रहे हैं दुश्मन के साथ, उनका पूरा इंतजाम होना चाहिए, अच्छी बुलेट प्रूफ जैकेट मिलनी चाहिए। मेरे बेटे को दोनों जगह से गोलियां लगी, आगे से कोई काम नहीं आई बुलेट प्रूफ जैकेट, कोई काम नहीं आई उसकी। मेरी सरदार से यही विनती है, सब माए सब माओ का दिल एक सा होता है, सबके लाल एक सा होते हैं, जिनके बच्चे शहीद हुए हैं वो जान सकते हैं यार इस पीड़ा को, वो इस पीड़ा को जान सकते हैं क्या उनके बच्चे को। देवभूमि के शूरवीर शहीद कैप्टन दीपक सिंह को जन्म देने वाली माँ पूछ रही है कि जब बेटे ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी तो शहीद बेटे के सीने और पीठ में दोनों ओर से बंदूक की गोलियां पार कैसे हो गई। शहीद कैप्टन दीपक सिंह की मां ने बुलेट प्रूफ जैकेट की क्वालिटी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि सेना के जवानों को अच्छी गुणवत्ता वाले आधुनिक हथियारों और साजो सामान से लैस किया जाए, ताकि किसी और जवान की माँ को उनकी तरह अपने लाल की शहादत के लिए तड़पना ना पड़े। ये बात है, अगर आप उनको लड़ाई के लिए भेज रहे हैं दुश्मन के साथ, उनका पूरा इंतजाम होना चाहिए, अच्छी बुलेट प्रूफ जैकेट मिलनी चाहिए। मेरे बेटे को दोनों जगह से गोलियां लगी, आगे से कोई काम नहीं आई बुलेट प्रूफ जैकेट, कोई काम नहीं आई उसकी। मेरी सरदार से यही विनती है, सब माए सब माओ का दिल एक सा होता है, सबके लाल एक सा होते हैं, जिनके बच्चे शहीद हुए हैं वो जान सकते हैं यार इस पीड़ा को, वो इस पीड़ा को जान सकते हैं क्या उनके बच्चे को। इस माँ ने अपनी कोख से एक सूरमा को जन्म दिया था, जिसने वतन पर बुरी नजर डालने वालों को मिटा देने की सौगंध खाई थी। आतंकियों की किसी गोली में वो ताकत नहीं थी जो शहीद कैप्टन दीपक सिंह के सीने को छलनी कर सके, लेकिन देश के स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले ऐसा हुआ। 14 अगस्त को जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। कैप्टन दीपक सिंह आतंकियों को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार थे, हथियारों से लैस भी थे, लेकिन शहीद की मां का कहना है कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने के बावजूद भी कैप्टन दीपक सिंह को गोलियां लगी। कहने के लिए तो बुलेट प्रूफ जैकेट ने कैप्टन दीपक सिंह को पूरी तरह प्रोटेक्ट किया हुआ था, लेकिन आतंकियों की बंदूक से निकली गोलियां बुलेट प्रूफ जैकेट को भेदते हुए कैप्टन दीपक सिंह के सीने और पीठ में उतर गई। शहीद कैप्टन दीपक सिंह की मां का कहना है कि अगर बुलेट प्रूफ जैकेट की क्वालिटी अच्छी होती तो शायद आज उनका बेटा जिंदा होता और आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा चुका होता। सरकार जी, ये बात है, अगर आप उनको लड़ाई के लिए भेज रहे हैं दुश्मन के साथ, उनका पूरा इंतजाम होना चाहिए, अच्छी बुलेट प्रूफ जैकेट मिलनी चाहिए। मेरे बेटे को दोनों जगह से गोलियां लगी, आगे से कोई काम नहीं आई बुलेट प्रूफ जैकेट, कोई काम नहीं आई उसकी। मेरी सरदार से यही विनती है, सब माए सब माओ का दिल एक सा होता है, सबके लाल एक सा होते हैं, जिनके बच्चे शहीद हुए हैं वो जान सकते हैं यार इस पीड़ा को, वो इस पीड़ा को जान सकते हैं क्या उनके बच्चे को। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से इस साल सबसे ज्यादा आतंकी वारदातें हुई हैं। घात लगाकर कायराना हमला करने वाले आतंकी सेना के जवानों को लगातार निशाना बना रहे हैं। इस तरह के आतंकी हमलों में कई जवान शहीद हो चुके हैं। कठुआ में हाल ही में हुए आतंकी हमले में देवभूमि के 5 जवान शहीद हो गए थे।
वहीं अब डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान देहरादून के लाल कैप्टन दीपक सिंह भी शहीद हो गए। देहरादून के लाल कैप्टन दीपक सिंह की शहादत हुई है। वीरों की शहादत पर शहीदों के परिजनों को फक्र तो है, लेकिन इस बात का दुख भी है कि कश्मीर में आतंकी वारदातें जरा भी कम नहीं हो रही हैं। शहीद कैप्टन दीपक सिंह के पिता ने सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर कब तक ऐसे ही आतंकी हमलों में माटी के लाल शहीद होते रहेंगे, और अगर ऐसे ही हर महीने आतंकी हमले में जवान शहीद होते रहे तो अपने बच्चों को सेना में देश की सेवा के लिए भेजने से पहले माँ बाप कई बार सोचेंगे। बिल्कुल, आप इस चीज को देख रहे होंगे कि ये जम्मू कश्मीर की जो घटनाएं हैं, जो भी इंसिडेंट वहाँ पे हो रहे हैं, मैं तो जब भी वहाँ पे कोई इंसिडेंट समाचार पत्र में या न्यूज चैनल में सुनता हूँ तो मेरे जहन में सबसे पहले एक बात आती है कि कोई हमारा बेटा उत्तराखंड का ना हो इसमें। और पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे होंगे कि पिछले महीने कितने 5-6 पार्थिव शरीर एक साथ यहाँ पर आए थे। तो अगर इस प्रकार की घटना अगर हर महीने आपको अगर देखने को मिलेगी तो जो माँ बाप हैं जिनका एक अपने बच्चों को देश की सेवा में भेजने के लिए वो तत्पर रहते हैं तो थोड़ा एक उनको भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। मेरी मिसेज को कल से, जबकि मेरा भतीजा भी आर्मी में जाने का, उसकी वर्दी देख के काफ़ी बच्चे जो हैं ये उससे प्रेरणा ले रहे थे कि हम भी कौन में जाएंगे। तो इस प्रकार की घटना देख के थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता है। पाकिस्तान की सरपरस्ती में पलने वाले आतंकी पाक सेना और ISI की बदौलत आधुनिक हथियारों से लैस होते जा रहे हैं। भारतीय सेना पर होने वाले इस तरह के कायराना हमलों को आतंकी अक्सर घात लगाकर अंजाम देते हैं। हमारी सेना के पास आतंकियों से लोहा लेने के लिए आधुनिक हथियार भी हैं और कभी न टूटने वाला हौसला भी। सर्च ऑपरेशन के दौरान हमारी सेना आतंकियों को चुन चुन कर जहन्नुम तक पहुँचा देती है, लेकिन हकीकत ये है कि अचानक होने वाले इस तरह के हमलों में हम अपने कई जवानों को खो चुके हैं। ऐसे में शहीद कैप्टन दीपक सिंह की मां का सवाल बड़ा लाजमी है, आखिर कैसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने के बाद भी कैप्टन दीपक सिंह के सीने और पीठ में गोली लग गई? क्या इस घटना ने बुलेट प्रूफ जैकेट की गुणवत्ता पर सवाल खड़े नहीं कर दिए हैं? अपने जिगर के टुकड़ों को खोने वाले शहीदों के परिजन अब सरकार से एक ही सवाल पूछ रहे हैं, और वो ये कि कश्मीर से धारा 370 तो हटा दी, लेकिन कश्मीर घाटी से आतंकवाद का सफाया आखिर कब होगा? यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।